हे फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून डियर। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, फिलहाल मैं भी ठीक हूँ और बेटी भी थोड़ी ठीक है। वही मेरा कोई ना ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा, कोई कंटिन्यू नहीं हो पा रहा। कोशिश तो बहुत कर रही हूँ बट वीडियो तो किसी तरीके से बन जा रहा है, बट उसको ना एडिट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और अभी हो रहे हैं 1:15 हो रहे हैं अभी दोपहर के, तो मैं काफ़ी ना बिल्कुल थकी थकी से महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हमें लगभग हो रहा है ना 15-20 दिन से ऐसा हो रहा है ना कि मैं ना ठीक से सो पा रही हूँ और ना ठीक से खाना खा पा रही हूँ। मतलब इतना परेशान हो गया ना कि बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा। और बेटी जब परेशान रहती है ना, मेरी उसकी हालत बिल्कुल भी नहीं देखी जाती है। बेटी के साथ साथ में घर के भी कुछ काम वगैरह बचा रहे हैं, जो कि मैं काफ़ी थक जा रही हूँ, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। अभी मैं बाबू के लिए खिचड़ी बनाई हूँ, बट अभी वो सो रही है, तो जब सो करके उठेगी ना तब उसे खिलाऊंगी मैं। फिर मैंने देखो खाने के लिए दे दिया, तो आज ना कुछ मैं नहीं बनाई, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था बनाने का, तो मैं सभी के लिए खिचड़ी बनाती थी और उसमें सारी सब्जियाँ, बहुत सारी सब्जियाँ मिक्स करके बनाई हूँ और लिक्विड वाली बनाई ताकि बेटी भी खा सके, तो बस वही बना ली हूँ। और मेरे बिल्कुल बिल्कुल कंघी करने का भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं कंघी भी कर पाऊँ। मतलब अपने ऊपर ना कोई ध्यान ही नहीं, जिस कारण हमें लगता है कि मेरी भी तबीयत ना बहुत ख़राब होने लगी है। इतना प्रॉब्लम है, मेरे डिलीवरी के टाइम भी ऐसा नहीं होता था जितना अब हो रहा है। बहुत भाग दौड़ कर चुके, मतलब एकदम थक चुके, बिल्कुल अब हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ वीडियो बनाऊँ और आप सभी के सामने शेयर करवाऊँ। और मेरे वीडियो ना कंटिन्यू ना होने कारण क्या हो रहा है, कुछ फ्रेंड्स हैं ना, कुछ के मतलब अधिकतर जो हो रहे हैं वो ना अनसब्सक्राइब करके चले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, और सही बात है, जब वीडियो नहीं जाएगा तो आदमी देखेगा कि शायद इंतजार करते हो कि तो वीडियो डाले तो देखे, तो जब कंटिन्यू नहीं तो अन करेंगे, तो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरी बहुत मजबूरी है, क्योंकि मेरे वीडियो, मैं भी चाहती हूँ कि जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं वीडियो कंटिन्यू करूँ और कोशिश करूँ कि मैं आपको कुछ नए नए कुछ ब्लॉग्स के शेयर करूँ। बेटा की छुट्टियाँ पड़ी है ना, वो मतलब कहीं घूमना चाहता है, बट मैं नहीं जा पा रही क्योंकि बेटी को लेकर के ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। एक तो मौसम इतना ज़्यादा गर्मी बाहर है ना, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और वो बार बार बोला कि मेरी छुट्टियाँ पड़ी, आप लोग कहीं जा नहीं रहे, कहीं जा नहीं रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। उसको घर में भी थोड़ा सा और बाहर थोड़ा देर के लिए शाम को जाता है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि छुट्टियाँ पड़ी तो कहीं घूमे फिरे, कहीं थोड़ा सा इंजॉय करे। अभी तो नहीं हो रहा, देखती हूँ कब बेटी थोड़ी ठीक हो जाए, तो कोशिश करूँगी कि उसको एक दो दिन कहीं घुमा दें। मैं नहीं जा पाऊँगी तो उनके पापा जी कहीं, लेकिन अकेले अच्छा नहीं लगता है, जब बच्चे मतलब पूरी फैमिली साथ में तब अच्छा लगता है। बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसको भी खुशी दे पाऊँ। तो अभी मैं हॉस्पिटल्स क्या मतलब बेटी को ना डेली वो करना है, अभी उसको भाप देना था, नेबुलाइजर देना था, तो वो सब बहुत दूर है, बहुत दूर जाना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है। और इतनी तेज़ 10:30 बजे मैं निकली थी, यहाँ पर वीडियो होगा मेरे पास तो लगा दूँगी। बोल रही है तो हर जगह ना वीडियो बनाना ना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि मेरे साथ बेटी होती है, तो मतलब गोदी में ना बेटी होती है और हाथ में फ़ोन लेकर के ना फिर नहीं मेरे को नहीं, मैं नहीं हो पाता है बच्चों को लेकर गोदी में, इतना तो पैदल जाना और आना। तो मैं यहाँ पर दिखा दूँगी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, हाँ मैं जब अंदर गई थी ना भाप के लिए तो वहाँ पर मैं वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि किसी को
अच्छा लगे बुरा लगे, बाकी रोड का आना जाना जो करी ना मैं थोड़ी सी कोशिश करी बनाने की, तो मैं थोड़ी सी बनाई हूँ मैं। और पानी बिल्कुल नहीं पिया जा रहा है, मतलब ऐसा है ना, मतलब बॉडी बिल्कुल एक्टिव जैसा है ही नहीं, मतलब कुछ करने का मन ही नहीं कर, बस ऐसा हो रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ कर दो चार दिन खूब अच्छे से सो लूँ मैं, नींद पूरी कर लूँ, इनको नहीं बेटी मेरी अच्छी हो जाए फिर उसके बाद सोएंगे। तो बाबू भी टीवी देख रहा है, खिचड़ी खाते खाते ना वो टीवी देख रहा है, और बिटिया की मैं इंतजार कर रही हूँ, उसकी दो घर की दवाइयाँ देने का टाइम हो गया है अभी तो, बाकी कल से वो ठीक है, और अभी हमें कल फिर से जाना है डॉक्टर के पास, देखते हैं कब जाते हैं। वैसे सुबह में तो टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, तो मैं शाम को ही कोशिश करेंगे जाने की, शाम के टाइम में क्या बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा फिर काफ़ी थक जाते हैं, क्योंकि वहाँ से आने के बाद ना शाम के टाइम में घर के काम होते हैं, शाम को वो 6 बजे से बैठना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पर जाना पड़ता है और नंबर लगाना पड़ता है, ऑनलाइन बुकिंग भी होती है बट फ़ोन से भी बुक कर लेते हैं, लेकिन वहाँ जाने पर ना कुछ और ही होता है, मतलब जो जितना जल्दी पहुँचता है ना उतना उसका नंबर लगाते हैं, उस हिसाब से लगाते हैं, उसे फ़ोन पे भी कर लेते हैं, लेकिन वैसे होता है पहला नंबर दूसरा नंबर लगाने का, कोई नहीं वो भी हो जाएगा किसी तरीके, जितना इतना आप लें हजार बहुत थक चुके हैं, लेकिन वो बोलते रहेंगे काफ़ी, मतलब काफ़ी थक गए हैं हम लोग, थोड़ा सा बोल देते हैं लेकिन वो ना बोलते नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। एक्चुअली मैं देखती हूँ बाबू अभी जागे हैं नहीं, क्योंकि मैंने दूसरे में रूम में आ गई थी, ये रूम खाली था, तो जस्ट मेरे बगल में ही है रूम खाली था, तो सिर्फ मैं इसमें आने की थोड़ी देर के, बाकी मैं इस रूम में नहीं आती हूँ, मैं जाती हूँ अपने रूम में, यहाँ का लाइट ऑफ करती हूँ क्योंकि उसमें फ़ैन चल रहा था ना, फिर आवाज़ नहीं आती, फिर मैं मिलती हूँ, दिखाती हूँ बाबू क्या करिए। तो ये है बाबू भी सो रही है और घर देव टी वी देख रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक मैं बाहर बात करती हूँ आपसे। और अंदर ना बहुत ज़्यादा फैन चला था, टीवी चला, जिस कारण आवाज़ नहीं आ रही थी, और वो बाबू बेड पे काम कर रहा था, उसमें बेटी जग रही थी, बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, उसकी भूख वगैरह फाड़ देती है, तो फिर मैं उसको नीचे लेकर के ऐसे लेटा दी थी, तो वो भी नीचे पड़ी है देखिए, अभी भी पेट के बल लड़की नहीं सोती थी, बट अब ना पता नहीं क्या वो पेट के बल सोने लगी है, और आपको बिस्तर दिख रहा होगा इस तरीके से, तो मैंने बेडशीट को साफ कर दिया क्योंकि बाबू ने उल्टी कर दी थी, तो अभी छत पर अभी नहीं जाऊँगी मैं छत पर लेने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, और यहाँ पे हमें कुछ काम करने के, मेरे सारे फैले पड़े हैं ये सब चीज़ें, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही, सब उथल पुथल हो रखा है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। और ये देखिए मेरा ये खिचड़ी बना हुआ है, और बाबू का मैं उठने का इंतजार कर रही हूँ, थोड़ी देर उठने वाली है, और मैंने शाम के लिए ना छोले बना रखे, मैं रोज़ सोती हूँ, मैं मतलब रोज़ सोचती हूँ ना कि आज जल्दी खाना बना के तो मैं जल्दी 8 बजे ही सो जाऊँगी लेकिन नहीं हो पाता है, वो 11 ही बजते हैं, इतना मैं कोशिश करूँ 11 ही बज जाते हैं, तो कुछ काम है थोड़े से छोटे मोटे किचन के, मैं उसको समेट लेते फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली मैं अपना किचन का काम थोड़ा समेट ली हूँ, और मैं बैठ के पीऊँगी पानी, क्योंकि खड़ा होकर पानी नहीं पीते हैं, बोलते हैं घुटने में दर्द होता है, मतलब आगे चल करके, तो कभी कभी तो मैं खड़े ही पी लेती हूँ, मतलब खड़े होकर के, बट जब कभी याद रहता है ना तो फिर उस बैठ के मैं पीती हूँ, और बाबू को भी बोलती हूँ, मतलब देव को भी बोलती हूँ बैठ को पीने के लिए, लेकिन आजकल ऐसा हो पा रहा है सबके सब खड़े होकर के पानी पीते हैं, खाना पीना जो भी होता है सब मैं खड़े होकर के ही रहता है। और ये बाबू का बैग ख़राब हो गया था ना, तो मैं इसको सही करके इसमें इतने सिलाई के जो काम होते हैं ना मैं वो रखने लगी इसमें, और ये सब बॉटलें जो दिख रहा है आप सभी को ना सारे इसमें पानी भर के फ्रिज में रखती थी, बट अब मैं नहीं रख रही क्योंकि देव बहुत पानी पीता है फ्रिज का, तो मैं ये नहीं चाहती उसको फ्रिज को पानी नहीं देना है, ऐसे कैंपर में बहुत ठंडा पानी होता है, तो मैं हटा दी वाटर, ना पानी रहेगा वो ना ठंडा पानी पिएगा फ्रिज का, लाना है मटका एक, देखते हैं कब आता है मटका मेरा। तो यहाँ पर कुछ कपड़े थे ना मैं सुबह यहीं पर फैला दी थी, और 2-3 कपड़े अभी निकले थे तो मैं यहाँ पर डाल दी, और बाकी कपड़े छत पर रहते हैं, छत वाला साफ ही नहीं आएगा। और यहाँ पर देखिए बाबू की साइकिल पड़ी है, और मेरी ये बाइक है मेरी, और इधर बाकी गाड़ियाँ पड़ी है, पूरी गाड़ियाँ हैं, मतलब ये देखो इसमें सारी एरिया में गाड़ियाँ खड़ी होती है पूरे में, और कभी जगह नहीं होता है ना तो वहाँ पर जो दिख रहा है ना सामने इस खाली जगह दिख रहा है ना, तो वहाँ पे खड़ी हो जाती है फ्रेंड्स। और ये देखिए मैं आपको दिखाती, इसमें रखा हुआ है थीलर रखा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर ना मतलब
ये जो गोल गोल आप सभी को दिख रहे हैं ना, मतलब क्या बोलते हैं इसमें, लाइट लगाते हैं कंसीलर कुछ ऐसी, तो उसमें ना मधुमक्खियाँ चली जाती हैं। और जिसमें कि दो तीन बार बाबू का काट लिया भी था, तो थीमे डाल दिए थे, तो वो सारी गायब हो चुकी हैं। मैंने आप लोग एक मिनट भी गिर जाती हूँ, मैं साइकिल पर बैठने जा रही थी लेकिन वो स्टैंड पर था ही नहीं। और ये देखिए मेरा कूलर रखा हुआ, लेकिन हम लोग कूलर नहीं चलाती है बेटी की वजह से, कहीं उसे नुकसान ना करें, बस आ करके रखा हुआ है। और ये बहुत ही पुराना कूलर है लेकिन यूज़ अभी तक नहीं किए हैं, जब से बेटी हुई ना तब से यूज़ नहीं किया बिल्कुल भी, क्योंकि उसे नुकसान करेगा हमें पता है पक्का। तो कोई नहीं, फैन में भी ठीक है। फिर मैं आप लोग से ना बहुत सारे बातें कर रहा था, बट मैं कुछ क्या बोलूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा है। मैं खुल के यहाँ पे आना चाहती हूँ, आई थी खुल के कुछ बोलना चाहती हूँ, लेकिन ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मजाक बना के रख देते हैं, जिस पर मैं यहाँ पे खुल के बातें नहीं कर सकती, खुल के कुछ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मन में ना बहुत परेशानी भी है। अगर वाई टी पे आए ना तो हमें मतलब खुल के रहे, मतलब कहाँ गए आए गए, मतलब शेयर कीजिए, सब कुछ होना चाहिए बातें, सब कुछ मतलब जो मन में, लेकिन नहीं, सब देखना पड़ता है, सब देख के चलना पड़ता है। तो अभी मैं जा रही हूँ बाबू को जगाने, वो उठ नहीं रही हैं, और मैंने उसे भाव दिला दिया था ना, तो शायद वो इस वजह से वो सॉरी, क्योंकि उसे आराम मिल रहा होगा। तो अभी मैं उसे जगाऊँगी, क्योंकि दवाइयाँ देने का बहुत टाइम हो गया, ज़्यादा टाइम हो रखा है, आधा घंटा कम से कम ज़्यादा हो रखा है। फिर उसे दवाई दूँगी, फिर खिचड़ी खिलाती हूँ, फिर मैं देखती हूँ क्या करती हूँ, फिर मैं आप सभी से मिलूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं बेटी को बहुत जगाने की कोशिश करूँ, बट वो रो रही है, तो रो रही थी, हमसे देखा नहीं जा रहा। फिर मैंने उसे दोबारा सुला दिया, तो कोई नहीं, देखती मैं भी दवाई फिर दे दूँगी, लेकिन टाइम से देना बहुत ज़रूरी है, क्या करें, रो रही है, फिर रोएगी, ज़्यादा दवाई देंगे तो फिर उल्टी कर देगी, तो सारा दवाइयाँ देना ना उसका बेकार हो जाएगा। फिर मैं ये नहीं चाहती हूँ मैं, क्योंकि बहुत परेशान हो जाएगी। कुछ नहीं, थोड़ी देर भी और देखती हूँ फिर मैं। तो आज मैं कुछ आप सभी के साथ शेयर नहीं की, बस थोड़ी सी बातें करनी थी, तो मैंने थोड़ा सा बातें किया, कुछ और भी शेयर करना था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं कुछ शेयर कर पाऊँ। तो कोई नहीं, तो फ्रेंड्स मैं वीडियो करूँगी यहीं पर एंड। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में, कोशिश करूँगी मैं वीडियो कंटिन्यू करूँ, पूरा कोशिश करूँगी। चलिए वीडियो करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान दीजिए, कल भी बहुत है, बाय बाय।